हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सैनो शो गर्ल और मेरा नाम है नैंसी और आज हम बात करने वाले हैं फाइव थिंग्स दैट आई विश आई न्यू बिफोर एंटरप्रेन्योरशिप। तो गाइस आज ऐसे कुछ फाइव टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद मैं पहले जानती होती तो फिर वो चीजें करना मेरे लिए आसान हो जाता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू लेट यू नो इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि मैं अपने फ्रेंड से एक बिजनेस आइडिया के ऊपर बात कर रही थी, ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था और फिर डिस्कशन करते करते हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस चीज को भी टेस्ट करके देखते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद ही मैं अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि वो सेम आइडिया कोई और ऑलरेडी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा ना कि काश ये आइडिया मैंने पहले ही एग्जीक्यूट कर लिया होता तो शायद मैं ये बिजनेस ऑलरेडी कर रही होती और काश मुझे सही गाइडेंस या सही एक्सपर्टीज मिली होती। सो देन आई रियलाइज कि कोलैबोरेशन और गाइडेंस की क्या वैल्यू होती है। एंड आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो जरूर हुआ होगा कि आपको भी ऐसा लगा हो कि शायद ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था बट मुझे सही गाइडेंस मिली होती तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर चुका होता। और ये ज्यादातर लोग की कहानी है क्योंकि ज्यादातर लोग के पास बिजनेस आइडियाज तो होते हैं बट उसे एग्जीक्यूट करें उन्हें यही नहीं पता होता। बट गाइस अगर मैं आपको कहूँ कि एक तरीका है जिसकी वजह से आपको ये गाइडेंस और ये एक्सपर्टीज आपको मिल सकती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ गाइस, आज के टाइम में ना हर चीजें पॉसिबल है और इसीलिए हमारे पास है शार्क डॉम। जी हाँ गाइस, जिस तरह से चैट जीपीटी हमारी हेल्प करता है हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने में ठीक उसी तरह शार्क डॉम भी हेल्प करता है आपको सही एक्सपर्टीज और सही गाइडेंस देने में। क्योंकि शार्क डॉम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप दूसरे एंटरप्रेन्योर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो और ना ही सिर्फ कोलैबोरेट बल्कि आप उनके गाइडेंस भी ले सकते हो। क्योंकि गाइस आजकल ना कोलैबोरेशन एक नेसेसिटी बनती जा रही है, चाहे वो यूट्यूबर्स हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो, हर किसी को कोलैबोरेशन की जरूरत कभी ना कभी तो लाइफ में पड़ती ही है। और आपने भी कई बार ट्राई किया होगा लिंक्डइन पर या फिर इंस्टाग्राम पर लोगों को मैसेज करने का बट उनके रिप्लाईज नहीं आते या फिर उनसे कभी कभी बात नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हम हर रोज फेस करते हैं बट शार्क डॉम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैंग आउट करते हैं रेगुलरली और जहाँ पर आप ना ही सिर्फ उनके एडवाइस ले सकते हो बट मे बी फ्यूचर में आप उनको अपने आइडिया को पिच भी कर सकते हो। तो सुनने में जितना ज्यादा ये एक्साइटिंग लग रहा है ना उतना ही ज्यादा ये यूज करने में भी है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, अभी जाकर चेक करो। द सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू गाइस इज डोंट चेस एवरी सिंगल बिजनेस आइडिया। एंड गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज जब मैंने अपनी बिजनेस स्टडी स्टार्ट करी थी ना तो मेरी बहुत ही बुरी आदत थी कि मैं हर बिजनेस आइडिया को फॉलो करने लगती थी और इससे क्या होता था कि मेरा फोकस खो जाता था और किसी एक आइडिया को फॉलो करने की बजाय उस पर ज्यादा मेहनत करने की बजाय मैं अलग अलग बिजनेस को ट्राई करती रहती थी क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और पहले क्या मेरी आदत अभी भी है कि अभी भी जब भी कोई बिजनेस आइडिया मेरे सामने आता है तो मुझे लगता है कि काश ये चीज मैंने पहले ही करी होती या कुछ नया ट्राई करते हैं या फिर ऐसा कुछ। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है गाइस हम सभी की, जो हम सभी के अंदर आता है, जो भी अर्ज होती है ना इसे हम कहते हैं ओवर पैशनेट होना। लाइक अभी मैंने रिसेंटली एक आइडिया देखा था, बिजनेस आइडिया जिसमें हेयर केयर रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी वैसा कुछ करती हूँ। बट मुझे लगा कि इस तरह के प्रोडक्ट में आपको बहुत ज्यादा बजट चाहिए, आपको खूब सारा एक्सपीरियंस भी चाहिए बिकॉज हर बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता अंटिल अनलेस कि आपके पास उसका कोई रिलेटेड एक्सपर्टीज ना हो या फिर पुराना कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो एक इंसान हर चीज को तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसे किसी एक चीज पर ही फोकस करना होगा। इसीलिए मैंने ये सीखा है ना कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, ऑफ कोर्स आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते हो अगर, तो जो भी एक्सपीरियंस है आपके पास या फिर जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है थोड़ा थोड़ा करके उसे मैनेज करके आप उसे बड़ा बना सकते हो। द थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज नो वन कैन टेल यू हाउ टू ग्रो अ बिजनेस। एंड गाइस ये अगेन मैंने बहुत ज्यादा सीखा है, बहुत सारे लोगों को देखा भी है कि बड़े बड़े लोग कभी कभी क्या होता है ना कि वो खुद इतने पैशनेट नहीं होते हैं बट उन्हें लगता है कि शायद वो किसी को हायर कर लेंगे या फिर कोई ऐसा मैनेजर हायर कर लेंगे जो कि उनके बिजनेस को अचानक से ग्रो कर देगा। बट ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज है क्योंकि फाउंडर का पैशनेट होना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि बिजनेस को स्टार्ट करना। मतलब ये कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए कि आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो। जस्ट टू मेक मनी एंड जस्ट टू मेक फेम इज नॉट ओनली पॉसिबल थिंग। द फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ओनली हायर अ मैनेजर व्हेन यू फील यू नीड इट। लाइक मैंने देखा है ना बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को कि लोग चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज हायर कर ले ताकि वो हमारा काम संभाल सके बट मुझे लगता है ना कि जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो किसी बिजनेस में, अगर आप छोटा ही बिजनेस कर रहे हो बट अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल हो रहे हो, वरना आप किसी और को हायर करते हो तो उसमें जो भी सैलरी जाती है वो आप अगर मार्केटिंग में स्पेंड करो तो वो ज्यादा बेटर होगा आपकी ग्रोथ के लिए। तो सिर्फ वैलिडेशन पाने के लिए या फिर लोगों की तारीफें हायर करने के लिए एम्प्लॉयज को हायर मत करो अंटिल अनलेस यू आर फीलिंग दैट यू आर ऑलरेडी नीडेड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस लेवल बिकॉज अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो तो ये आपको मान लेना होगा कि आपके स्ट्रेस से तो फ्रेंडशिप होने वाली है और ये हमारे साथ हर रोज होता है। हम हर रोज एक नए चैलेंज को फेस करते हैं जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी फोकस करना पड़ेगा बिकॉज अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो ये जरूरी है कि आप 5 मिनट का रेगुलरली मेडिटेशन करो, इससे आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड देम प्लीज गिव मी अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स हु आर इन नीड ऑफ दिस वीडियो और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे अमेजिंग वीडियोस मैं हर वीक आपके सामने लाती हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।